गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, मैं हूँ कामाक्षी मिश्रा और आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है गणेश चतुर्थी, बप्पा के आगमन का दिन, बड़े ही जोश और उत्साह का दिन। और हम सब लाइफ रिपब्लिकन्स बहुत जोश में हैं क्योंकि 2 साल के बाद फिर से इतना बढ़िया शानदार सेलिब्रेशन होने वाला है। सारे सेक्टर्स में ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही थी, ढोल ताशे और गाना बजाना और बहुत ढेर सारे प्रोग्राम की प्लानिंग हुई है हर जगह। और सबसे पहले आज का फर्स्ट डे है जिसमें बप्पा का वेलकम होना है, गणेश चतुर्थी का दिन। और ये वेलकम सेरेमनी मैं आपको दिखाऊंगी, जिन जिन सेक्टर्स का मैं कवर कर सकती हूँ उन सब का दिखाऊंगी। और ये वेलकम सेरेमनी के पहले एक छोटी सी हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। तो महाभारत आप सबको पता है, तो महर्षि वेद व्यास जब महाभारत लिखने को बैठे और उस समय उन्होंने गणपति जी का आह्वान किया क्योंकि वो सबसे विद्वान हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो उनका आह्वान किया। और जब गणपति आए तो उन्होंने बोला कि मेरी एक शर्त है, मैं लिखने बैठूंगा लेकिन आपको कंटिन्यू बोलना होगा और मेरी कलम रुकेगी नहीं। वेद व्यास जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, तो श्लोक में कुछ त्रुटियाँ हो तो वो देखते हुए आप सुधार करते हुए लिखते जाइएगा। लिखना शुरू हुआ, इस पूरे लेखन कार्य में 10 दिन का समय लगा। गणपति जी जड़वत एक जगह पे बैठे रहे और वो लिखते रहे। अनंत चतुर्दशी के दिन 10 दिन के बाद महाभारत का लेखन कार्य पूरा हो गया। और उसके बाद उस दिन क्योंकि वो एक जगह पे बैठे थे और लगातार लिख रहे थे तो उनके शरीर पे बहुत धूल मिट्टी जम गई थी, उसको क्लीन करने के लिए वो गए माँ सरस्वती, सरस्वती नदी में, और वहाँ पे वो उन्होंने स्नान किया। तो इसी का प्रतीक उनको हम अंतिम दिन में विसर्जन करते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी इस उत्साह की और इस उमंग की। और महाराष्ट्र में तो ये विशेष है, शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई ने यूनिटी के लिए इसको सार्वजनिक किया था, कस्बा गणपति की स्थापना उन्होंने करी थी, और वो तो हम उसके दर्शन करते ही हैं, वो विशेष ही है। और बचपन में स्कूलों में भी हमने पढ़ा हुआ है आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको सार्वजनिक किया था ताकि हर वर्ग के लोग यूनिटी के साथ इस त्यौहार को मना सके। तो चलिए आज फिर से हम ये त्यौहार मनाते हैं और इसमें इतनी खुशियाँ हैं, बच्चे बूढ़े सारे लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। अगर हर शहर की तो बात अलग है, पूना और पुणे, महाराष्ट्र में पुणे एंड मुंबई, तो ये दोनों जगह पे जो ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है उसमें भी मेरे सेक्टर में क्या चल रहा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। खूब मस्ती है, खूब धूम है और खूब मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं आज का ब्लॉग। जय जय श्री गणेश।
तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं सेक्टर R3। वहाँ पे उन लोगों ने बप्पा का, लंबोदर का, एक दंत का, विनायक का वेलकम कैसे किया आज वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे R3 में कल्चरल कमेटी है जो कि ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है और ढोल ताशे के साथ ही यहाँ भी बप्पा को का ग्रैंड वेलकम हुआ है। बड़े जोर शोर के साथ लाए गए हैं बप्पा और फिर उनकी स्थापना की गई। कमेटी ने यहाँ पे आगे के सारे दिन भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। वो प्लान है सत्यनारायण पूजा है, स्टैंड अप कॉमेडी है, यहाँ पे एक जूनियर जोनी लीवर आने वाले हैं और किड्स का डांस का प्रोग्राम है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, डिफरेंट प्रोग्राम्स, भजन संध्या रखी गई है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे रखे गए हैं। इनिशियली लास्ट वीक इन्होंने फ्ली मार्केट भी रखा था गणपति स्टॉल सजाने के लिए, आपको जो शॉपिंग करनी है उससे रिलेटेड। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं और बहुत धमाल ऑलरेडी आज हुआ है, उसके ग्लिम्सेस आपको यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं। सेक्टर R1 में भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्लान्ड हैं आगे के 4-5 दिनों के लिए। और घर का पोजीशन मिलने के बाद इनका ये पहली गणेश चतुर्थी है, तो अलग ही जोश, अलग ही उमंग, उत्साह इस सेक्टर के लोगों में देखने को मिल रहा था। मैंने भी थोड़े मज़े किए इनके साथ, बैंड और ढोल के साथ। तो अभी इन्हें मल्टीपर्पज़ हॉल का प्रॉपर अभी हैंडओवर नहीं है, इसलिए जो पार्किंग वाला स्पेस है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वहीं डेकोरेशन हुआ है और सारे इवेंट यहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर होपफुली ये इससे भी ग्रैंड और इससे भी बिग सेलिब्रेशन होगा। लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है और आप देख सकते हैं इन्होंने कितने मज़े किए हैं डे वन से। बहुत ही दिल से स्वागत किया है। तो आशा है आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा। छोटे बच्चे, बड़े, सीनियर सिटीजन सब ने बहुत मज़े किए ढोल ताशे के साथ। सब लोग बहुत उत्साह में आए थे, एनर्जी में थे और गणपति जी को सबने दिल से वेलकम किया। विघ्न हरता, दुख हरता और सुख करता, गणपति जी बुद्धि के देवता, सबके जीवन में खुशियाँ लाने वाले देवता जी हमारे यहाँ पे भी आ चुके हैं और आगे भी ये यहीं पे रुकना नहीं है। आगे भी बहुत मस्ती और धमाल है, खूब सारी प्लानिंग है, हर सेक्टर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, सब ने प्लान किया हुआ है, तो वो हम आगे कवर करेंगे। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी, आगे के इवेंट्स देखने के लिए। बप्पा मौर्या। पालन हार तू, मोदक प्रिय तू।